यशपाल जी, जिम्मेदारियां घर की तो आपने बखूबी निभाई, लेकिन आप बाहरी तौर पर भी सोशली लोगों से काफ़ी जुड़े हैं। जो एक बार यशपाल जी से मिलता है वो उसके हो जाते हैं या वो यशपाल जी का हो जाता है, ऐसा क्या है? नहीं प्रिंस, मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं है जी या कोई प्लान नहीं है कि मुझे सोशल होना चाहिए या ऐसा करना, मिलना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए। ये मेरी नेचर में शामिल है और जो गलत होता है वो मुझे गलत लगता है, इरिटेट हो जाता हूँ मैं। जो अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगने लगता है। बस मुझे इतना ज़रूर है कि उसके लिए मैं बड़ा छोटा नहीं देखता कि पैसे वाला कौन है या रुतबे वाला कौन है, या छोटा है ये, चपड़ासी है या मजदूर है जी या दलित है, कोई भी कुछ भी बड़ा छोटा मैं नहीं देखता हूँ। बस मेरे मेरे को उससे कोफ्त होती है जब जब उसके अनुसार अगर मैं बिहेव करूँ तो, कि ये तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं तो इनके साथ नमस्कार जी कैसे हैं, जी उनकी गलतियाँ भी माफ, ऐसा नहीं हो सकता मेरे से। तो इसलिए मेरी ज़्यादातर दोस्ती हो नहीं पाती है पैसे वालों से क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जो कमाते हैं वो ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है कि सब लोग नहीं लेकिन काफ़ी एक्सप्लोटेशन होता है। अभी यार, अभी एक चपड़ासी सोचेगा यार मैं भी इससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर मैं क्यों नहीं इतना पैसा कमा रहा हूँ, जी या मजदूर भी सोचेगा, लेकिन सब लोग अंबानी कैसे बन जाएंगे या स्वाभाविक टाटा कैसे बन जाएंगे, जी या इवन फिल्मों में भी मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब जो लाइट मैन है या जो स्पॉट बॉय है पूरी धूप में बड़ी बड़ी लाइटें कंधे पर उठा करके पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं, पानी पिलाते हैं, सफाइयाँ करते हैं, सामान उठा उठा करके रखते हैं एक दूसरे के, कभी किसी के पैर भी दबाते हैं, लेकिन वो अपने 500 हज़ार रुपये पर डे या 2 हज़ार रुपये पर डे के लिए कैसे उनको भीख की तरह मांगना पड़ता है। लानत है ऐसे लोगों पर जो उनकी कमाई नहीं दे पाते। इसीलिए आमिर खान का जो प्रोडक्शन था लगान में, जी दैट वाज द बेस्ट प्रोडक्शन आई हैव सीन इन माय लाइफ। एक छोटे से बंदे से लेके बड़े तक किसी की कोई शिकायत नहीं थी, जितना वादा किया जितना सब कुछ, सबको पैसा दिया। दुआएं भी तो मिलती हैं जी लोगों की कि यार इस फिल्म को अच्छा होना चाहिए, ये फिल्म यार बड़ी जानी चाहिए, आगे मिली, वही नियत बिल्कुल साफ थी। बिल्कुल यानी कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक मौका उन दुआओं के जरिए मिलता बिल्कुल है। और है आमिर साहब दुआओं के बारे में तो कहा ही जाता है कि परफेक्टनिस्ट हैं, जो भी जी करते हैं लोग पसंद करते हैं, और आज भी उतना ही अपने शिद्दत के साथ अपने काम को पूरा करते हैं। नकारात्मक भूमिकाएं बहुत की, यहाँ पॉजिटिव पर्सनली हैं, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं में लोगों ने ज़्यादा आपको देखा और वो काम आपका पसंद भी किया, तो आपको लगा नहीं कि मुझे अब नकारात्मक भूमिकाओं का जो टैग है उससे कुछ थोड़ा सा हट कर और डिफरेंट करते हुए अलग अलग भूमिकाएं की हैं लेकिन कुछ कम की हैं, और ज़्यादा इन्वॉल्व होके करना चाहिए? देखिए, अगर कैजुअल जवाब दूं तो इसका ये जवाब अच्छा है कि सारी फिल्म में हार और अंत में जीत हीरो की होती है। जी पूरी फिल्म में राज कौन करता है? विलेन ना, जी लास्ट में ही मार खाता है ना जी तो ठीक है, क्या बुराई है। और दूसरा, विलेन के पास आज कोई भी इंसान देख लो, नोबडी इज परफेक्ट। जी रियल लाइफ में हीरो लोग, हीरो 100% सही आदमी आज कोई भी नहीं है। जी तो हीरो इज नॉट वाइट, उसके अंदर भी कुछ कमियां होंगी, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल या बेशरम, बेशरम ये फिल्में आना शुरू हो गई हैं वैसे करेक्टर्स पे, जी कि जो जो हीरो जो है वो दूध के धुले या बिल्कुल श्री राम राजेंद्र कुमार की तरह नहीं है, कि उनमें कोई बुराई नहीं है, या मनोज कुमार की तरह। वो एक जमाना था, वो जी लिखे जाते थे वैसे करेक्टर उस वक्त, कि मेरे देश की धरती सोना, उनके अंदर कोई बुराई नहीं होती थी। लेकिन अब धीरे 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 मॉडर्न उसमें जमाने में आकर के राइटिंग्स में चेंज आए हैं और जमाना बदला है और थोड़ी सच्चाइयाँ और रियलिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ा है, और हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, दैव भी है, देव भी है, दानव भी है, तो राक्षस भी अपने अंदर है कुछ, जैसे आदमी भी है, लड़की भी है, सबके अंदर क्वालिटीज़ हैं, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा है, किसी के अंदर कुछ कम है, किसी के अंदर कुछ, किसी की मात्रा ज़्यादा है, पर है सबके अंदर, जी पशु भी है, तो वो दिखाना चाहिए ना। तो विलेन कैजुअल जवाब तो ये हुआ, लेकिन दूसरा एक
सेंसिबल जवाब जिसको मैं समझता हूँ वो ये है कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं ये नहीं देखता कि ये रोल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि इमोशनल है कि कॉमेडी है कि क्या है, कंटेंट और स्टोरी अच्छी है और रोल अच्छा है तो फिर वो कैसा है वो बाद में। श्याम बेनेगल और प्रकाश झा साहब के साथ काफ़ी फिल्में की हैं आपने, और कहीं ना कहीं एक भावनात्मक अटैचमेंट भी आपका उनके साथ रहा है, तो कैसी क्या केमिस्ट्री उनके साथ हमेशा बनी रही कि हर फिल्म में उनकी कहीं ना कहीं आप दिखते हैं? नहीं केमिस्ट्री तो है, अच्छी है, लेकिन मुझे एक शिकायत भी है दोनों से कि शिकायत ये है कि जिस कैलिबर का मैं एक्टर हूँ या जिस जो मैं कर सकता हूँ वैसे रोल नहीं मिलते हैं। गंगा जल में उन्होंने रिस्क लिया या कैसे लिया या दिया मुझे पता नहीं, लेकिन गंगा जल अपहरण में मुझे अच्छा रोल दिया प्रकाश जी ने, फिर बाद में लेकिन आपने प्रूव भी किया सर, क्योंकि प्रूव भी किया जी, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, मतलब चाहे वो अब तक 56 हो या गंगा जल अपहरण, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे बड़े बड़े स्टार आना शुरू हुए फिल्म प्रकाश जी के साथ, तो हम लोग जो हैं, हम लोग जो थिएटर के लोग थे उसमें, मुकेश तिवारी, अखिलेंद्र मिश्रा, मैं, दयाशंकर पांडे और भी काफ़ी लोग, वो सब पीछे हटते गए, जबकि वो गंगा जल उनकी वजह से थी फिल्म, थिएटर के जो एक्टर्स थे सारे अजय देवगन के अलावा, अजय देवगन ने भी इसीलिए इतना इंटेंस काम किया था उसमें, बहुत अच्छा काम किया था, जब भी आती है लोग देखते हैं क्योंकि उसकी रिपीट वैल्यू है जी। कई लोग ऐसे मिले जो 60-60 बार देख चुके हैं, बिल्कुल हर बार देखते हैं जी, डेफिनेटली, वो डेली अखबार में ही देखते हैं कि गंगा जल है क्या आज, बहुत सारे लोग मुझे मिले ऐसे, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब गंगा जल जैसी फिल्म बहुत कम बनती है, जैसे लगान, और श्याम बेनेगल जी के साथ तो मुझे कोई शिकायत है नहीं, इसलिए क्योंकि मेरी डिमांड नहीं रहती, क्योंकि उनके करेक्टर्स, उनकी फिल्म में हिस्सा होना ही मुझे लगता है बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। एक अवार्ड सा महसूस होता है कि एक अवार्ड मिल गया, उनके साथ काम कर लिया। बस उनके साथ जो प्रोसेस है उसमें जो मजा आता है ना, वो बहुत क्रिएटिव प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक सांचे में ढाल के उनको उसमें डिब्री में फिट कर दिया, मजा आता है, वो कई बार डायलॉग भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कई बार वो पूछते भी हैं क्या कैसा है, रिहर्सल करके दिखाओ ये, वो बहुत कुछ है वो एक्टर पर छोड़ते भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिनेमा रियलिज्म के बहुत करीब आ गया। आपने कहा कि जैसे कि थिएटर के जितने एक्टर थे वो सारे साइडलाइन होते जा रहे हैं धीरे धीरे, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और उसी के इर्द गिर्द कहानी, आजकल हीरो ही नेगेटिव और पॉजिटिव और कॉमेडी रोल करने लगा है, तो जो दूसरे कहें कि रोल होते थे उनका कहीं ना कहीं कम हुआ है आना, आप क्या मानते हैं कि जो रियलिज्म के किनारे पास आजकल की फिल्में आई हैं उनमें कितना थिएटर के लोगों को और कितना स्टोरी को काम मिलता, मतलब स्टोरी कितनी फोकस्ड होकर आगे आती है? अभी जो मैक्सिमम लो बजट फिल्में आ रही हैं ना, 90% अच्छी फिल्मों में वो लो बजट की फिल्में होती हैं और अच्छा कंटेंट होता है। मैं अभी पीछे एग्जांपल ले लो आप, मेरे ख्याल आंखों देखी, मंजूनाथ, जल, हवा हवाई, एक लाइन से बहुत अच्छी फिल्में आई, मैं अभी भी और भी हैं, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन अच्छी क्वीन आई है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बजट की थी ये फिल्में सारी, नहीं, नॉर्मल बजट की या लो बजट की, और थिएटर के लोग हैं मैक्सिमम फिल्मों में जी, मैक्सिमम में। सिटी लाइट्स जी अभी रिलीज हुई जी, मतलब कहीं ना कहीं कसावट है उसमें, स्टोरी हीरो हो गई है, मतलब अभी कह सकते हैं अब एक्टर हीरो नहीं है, अब स्टोरी हीरो है, अभी धीरे धीरे पहचानने लग गए शहरों में तो लोग, और धीरे धीरे छोटे शहरों में भी मुझे लगता है वो जागरूकता आएगी। अभी समय के साथ बहुत सिनेमा बदला है, लेकिन अब के सिनेमा को हम देखें तो कहीं रियलिज्म के करीब तो है, लेकिन फिर भी कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो हमारे जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं भटकाव की ओर ले जाती है, उसको देखकर वो अपने जीवन को बना लेता है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपने भी एक युवावस्था में अपनी एक्टिंग का काम शुरू किया और उस काम को आगे आपने बढ़ाया, आज आप जब रोल करते हैं और आपको देखकर कोई नेगेटिव भूमिकाओं को अपनाता है, आपके कैरेक्टर्स की कुछ चीज़ों को, बुरी चीज़ों को अपनाता है, तो फिर क्या आप सोचते हैं? देखिए, बॉलीवुड और क्रिकेट, इन दो चीज़ों ने हमारे भारतवर्ष की ऑडियंस को या यंग जनरेशन को खासकर बहुत प्रभावित किया है, और अभी पॉलिटिक्स भी आ गई है उसमें जी। अगर मान लो
हम बोल रहे हैं इंडिया जीतना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, इंडिया को जीत वर्ल्ड कप लाना चाहिए और सारे इंडिया जुटा हुआ है और पता लगे कि उन्होंने मैच फिक्सिंग किया हुआ है तो क्या लगेगा, दुख होगा ना। बिल्कुल। इसी तरीके से हमारे जो आइडियल हैं स्टार लोग, मैं आमिर खान को एक्सेप्शनल केस मानता हूं क्योंकि वो सोशल मुद्दों पर बहुत ध्यान देते हैं और कंटेंट पर कि ये फिल्म अगर देशवासी देखेंगे या परिवार के साथ देखेंगे तो देख पाएंगे कि नहीं। बाकी मैक्सिमम लोग जो हैं थोड़े से वो ये नहीं, वो बिजनेस करते हैं मुझे लगता है जी। उनको ये कोई ख्याल नहीं है चाहे गाना हनी सिंह का है कि उसमें वर्डिंग क्या है या आइटम सॉन्ग में क्या वर्डिंग है या ये नंगापन है इसमें या वायलेंस इतनी है कि बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये जो 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 आजकल गेम आए हैं टीवी में ये ठाठूँ और रेसिंग ये खां गिरने वाले, ये माइंड को आप माइंड को चेंज करके रख देते हैं बच्चों के जी। और ये क्राइम है अपने आप में एक, तो इसका मतलब हम भी क्राइम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, हम बिगाड़ रहे हैं ना, नंगापन दे रहे हैं और ऐसी कहानियां दे रहे हैं जिससे लोग बिगड़ रहे हैं, ऐसा होता है। फिर जब निर्भया कांड होता है, बस के अंदर रेप होता है बुरे तरीके वाला, तब हम जागते हैं, फिर इंडस्ट्री वाले भी बोलते हैं कि हमें बड़ा दुख है। दुख है तो उसका इलाज करो ना भाई, एक हो गया आगे ना हो उसके लिए कुछ तो पैदा करो अभी से जी। ताकि हमारे बच्चे चैन की जिंदगी जी पाए। कुछ हमारा भी तो कुछ दायित्व है कि नहीं है। बिल्कुल। ये कहना तो बड़ा आसान है कि पब्लिक को ये पसंद है इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं, उनको आइटम सॉन्ग चाहिए ही चाहिए, उनको फाइटिंग चाहिए, उसको हीरो ऐसा चाहिए, उसमें 50 लोगों को पीटना चाहिए हीरो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप जो सोचते हैं वो दिखाओ तो पब्लिक वही पसंद करेगी? बिल्कुल। आप पब्लिक पसंद करेगी वो दिखा रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपकी सोच तो खत्म जी। ये मेरा कहना है। यानी कि एक दिशा देने का काम सिनेमा को करना चाहिए, करना समाज को, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करना करता है। और थिएटर जो है कुछ लोग देखते हैं एक टाइम में जी, किताबें जो है वो एक आदमी पढ़ता है एक टाइम पे, सिनेमा ही एक ऐसी चीज है जो एक टाइम पे करोड़ों लोग देख रहे होते हैं जी। इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, करोड़ों लोग सिनेमा देख रहे हो, एक फिल्म पूरे इंडिया में कितनी जगह देख रहे होंगे लोग, आप सोचिए। डेफिनेटली। तो ये इतना बड़ा माध्यम है कि आप कुछ भी चेंज ला सकते हैं। आप अपने परिवार और बच्चों के साथ जब कोई फिल्म देखते हैं और उसमें इस तरह की कुछ चीज़ें आती है जो बच्चों और परिवार के साथ नहीं देखी जा सकती, आपने अभी जैसा कहा कि हमें बदलना होगा, सिनेमा को बदलना होगा, तब आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अब आप भी एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बिल्कुल, मैं तो कॉन्शियसली हमेशा करूँगा ये काम। जो गलतियाँ हुई हैं या जिसमें वायलेंस थी या आइटम सॉन्ग थे या जिसमें उसमें मैं अगर हुआ हूँ या किसी वजह से, सो दैट वॉज नॉट माई कॉन्शियस डिसीजन। मैंने जानबूझ के, मुझे पता नहीं था, क्योंकि बिकॉज मैं कठपुतली का उसमें हिस्सा हूँ, मैं अगर होली सोली डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होता तो शायद मैं वैसा नहीं करता जी। तो आई एम जस्ट ए करेक्टर, सो करेक्टर की जो डिमांड होती है उस उतना मैंने किया है, पर फिर भी मैंने हमेशा उस एक हद तक संभाला है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। सर लेकिन गंगाजल वाला जो रोल था उसमें तो वाकई आपके करेक्टर को देखकर कोई भी डर जाता कि अरे इतना ज़्यादा मतलब क्रूरता है इनके, इतना ज़्यादा रूडनेस है इनके नेचर में, वो एक कैरेक्टर होता है उसके साथ आप बहुत अभद्रता करते हैं और बहुत सारा मतलब उस कैरेक्टर को ऐसा बनाया गया था कि एक नफरत सी हो गई थी उस कैरेक्टर से। देखिए हीरो को जब हाईलाइट करना हो ना जी, तो विलेन को थोड़ा गंदा बनना पड़ता है, कई कुकर्म करने पड़ते हैं जी। तो गंगा जल में जो मेरा करेक्टर था वो अगर इतना स्ट्रोंग नहीं होता, लेकिन वो कुकर्म ऐसे हवा में ही नहीं कर रहा था, किसी का भी रेप चलते फिरते नहीं करता था वो जी। वो एक लड़की से प्यार करता था, वन एक तरफा, वो पागलपन था ऐसा, तभी तो विलेन है जी। तो दोनों तरफ प्यार होता तो फिर विलेन थोड़ी कहलाता, हीरो होता, हीरो होता। तो इसीलिए वो एक तरफा प्यार था, इसलिए विलेन है, और उसने किसी भी कीमत पर उसको पाने की कोशिश की है, किसी और लड़की के साथ कभी कुछ नहीं किया, पूरी फिल्म में देख लो आप जी। तो वो इंतहा प्यार करता था, बे इंतहा प्यार करता था, और वो जब मरती है तो रोता है गंगा जल में। वो जिद्दी अमीर बाप का जिद्दी बेटा है, अमीर बेटा, जिद्दी बेटा,
जो बिगड़ रहे बिगड़ैल बच्चे जो होते हैं और जिनको लगता है कि बस हम जो बोलेंगे वो होना चाहिए। इसीलिए उस करेक्टर में देख लीजिए आप ऐसा नहीं बोल सकते किसी भी माँ बहन को किसी को भी उठा के ले आया, किसी को भी छेड़ दिया, किसी को भी रेप कर दिया, ऐसा नहीं था। वो उसका भी एक दायरा था, उसका एक दायरा था जो कि बिल्कुल आप करेक्टराइजेशन आप पूरा देख लीजिए, कौन सा कंस्ट्रक्शन सुंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, क्या बिजनेस है उसका, क्या नहीं है, क्या उसकी खासियतें हैं, क्या है वो गाना भी सुन रहा है तो गाना सुनते सुनते फिर मन नहीं लग रहा उसका, नहीं यार उसके पास जाके जाते हैं, लड़की के पास मिल के आते हैं। लेकिन राउडी राठौर में जस्ट उल्टा हुआ, वहाँ एक मजबूर पुलिस वाले का रोल आपने किया है जो पुलिस वाले की पत्नी को विलेन उठा ले जाता है, एक विलेन वहाँ मजबूर था और हम आंसू बहाते रहते हैं जी। बिल्कुल, जैसे सोहनी डूब रही है पानी में और महिवाल साहब किनारे पर बैठे आंसू बहा रहे हैं, अरे बचाओ जाके, नहीं तो हमारा भी वैसा ही करेक्टर था। अब लिखा था अगर हम वैसा नहीं करते, आंसू नहीं बहाते और पत्नी को हम बचा लेते तो फिर अक्षय कुमार क्या करता। ठीक, तो इसीलिए अक्षय कुमार के लिए हमने बहुत जगह छोड़ी, तो राउडी राठौड़ कैसे कहलाता वो जी। तो इसीलिए कहानी में ऐसा होता है जब हीरो को महान नायक बनाना हो तो बहुत सारे छुटपुटों को अपने त्याग करना पड़ता है। एक नकारात्मक करेक्टर, याद आपको मैं बता दूं, ये एक मेरा पर्सनल मामला है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस फिल्म के दौरान मैं बहुत रोया हूँ और मैंने बहुत गालियाँ दी हैं और डायरेक्टर के सामने, अक्षय कुमार के सामने, कि साला कैसा रोल है ये, कैसा इंसान है ये, ऐसा इंसान होता है क्या कभी कोई, इतना कमजोर आदमी साला, उसकी वाइफ भी उसको लात मार देती है जी अंत में विलेन को जी। तो लेकिन करेक्टर था, कर दिया। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं जो बच्चों के साथ जो आपका सीन है, जो बच्चों का मुंह दबाते हैं आंख बंद करते हैं, वो बेस्ट सीन है आपका, बहुत इतना इमोशनल भी आप कर सकते हैं, तो अपना अपना मानना है। यशपाल जी का कैरेक्टर हमेशा अलग शेड के साथ होता है। थिएटर की बात करूं मैं तो थिएटर में भी आप बहुत उतना ही मन से काम करते हैं। तुगलक आपका एक बहुत फेमस प्ले है और उसके अलावा भी बहुत सारे, लकीरें भी आप करते हैं, गुलजार साहब का लिखा हुआ, आरिफ साहब उसको डायरेक्ट करते हैं मोस्टली, तो क्या थिएटर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच है फिल्मों से हटकर इधर, वहाँ तो आत्मसंतुष्टि आपको मिलती होगी। बिल्कुल, इसीलिए तो फिल्में कम करता हूँ जी, ताकि थिएटर कर पाऊँ, और वाकई थिएटर करके मज़ा आता है। और तुगलक मेरी दुखती रग है क्योंकि आई कैन से इट इज़ माई बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, क्योंकि वो रोल जो एक ड्रीम रोल होता है किसी भी एक्टर के लिए, इतनी वेरिएशन वाला या इतनी रेंज का रोल करना अपने आप में एक चैलेंज है, और मैंने वो बहुत बड़े रूप में किया फिरोज शाह कोटला के किले में जी। और बाकायदा करोड़ों रुपए का बजट था, 3.5-4 crore का। थिएटर में इतना बड़ा प्ले बहुत कम देखने बहुत को बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, करवाया था जी। और मेरे ख्याल से ओम शिवपुरी ने किया तुगलक, फिर मनोहर सिंह जी ने किया, जो जो स्मरणीय है, और इतने बड़े लेवल पे उसके बाद मैंने किया जो इंटरनेशनल लेवल का एक थिएटर, या द बेस्ट थिएटर मोमेंट्स, द बेस्ट थिएटर प्ले इन द हिस्ट्री, ऐसा कुछ नाम दिया था उसको, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इस तुगलक नाटक को, और जो वाकई था भी, और वो करके मुझे बड़ा मज़ा आया, और मैंने बाकायदा 3 महीने मोबाइल वोबाइल फेसबुक सब बंद करके कंसंट्रेट करके काम किया था, और अपने आप को पूरा चेंज किया था, और आया भी था चेंज। वैसे ही तुगलक की तरह मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी जी। नींद ही नहीं आती थी, रात भर सोचता रहता था, फिर कभी उठ करके वहाँ होटल में दिल्ली में शीशे के सामने, बड़ा शीशा था उसके सामने, रात को 3 बजे गाउन पहन के, नीचे चड्डी पहना है ऊपर गाउन पहन करके तुगलक बना रहता, डायलॉग बोलता रहता था और आँखों में आँख डाल, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है पागलपन था वो जी। और लेकिन अभी भी कमियां हैं उसमें जो कि दूर होंगी अभी दोबारा जब मैं करूंगा उसको हॉल के अंदर, अभी ओपन में था जी, तो बहुत सारी चीज़ें डिटेलिंग ऐसी होती है जो उसमें नहीं कर पाते हैं आप बड़े लेवल में, तो वो जब इंटीरियर में होगा तब उसको मैं अच्छे से और करने की इच्छा है,
करूंगा भी मैं, ये मेरा अपने आप से वादा है। बिल्कुल, यानी कि और बेहतर तरीके से फिर से रीटेक करना, यानी कि तुगलक और प्योरीफाई होकर लोगों के सामने आएगा और आपका जो अंदर का एक एक्टर है वो तुगलक के जरिए लोगों तक जाएगा। पर्सनली कुछ बातें और मैं आपसे करना चाहूँगा। परिवार को आप समय कम दे पाते होंगे अपनी व्यस्तताओं के कारण, क्योंकि परिवार को तो प्यार करते हैं, जब भी मौका मिलता है परिवार के बीच में चले जाते हैं। दो बच्चे हैं, भाभी जी हैं, कभी शिकायत होती है कि आप समय पर नहीं पहुँचते हैं या समय पर नहीं आते हैं। ठीक है, थिएटर कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, नाम है, शोहरत है, सब है, लेकिन हमारे लिए क्या है, समय नहीं। देखिए, सब कुछ तो एक जीवन में नहीं मिल सकता जी, अभी कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। या तो फिर हम शांति पाना चाहते हैं तो हिमालय चले जाएंगे, अगर यही जिंदगी पारिवारिक जिंदगी चाहिए थी तो फिर हम 9 से 5 नौकरी करेंगे जी। अब ये तो सूफियों वाले काम चुना है हमने कि बस अभी 3 महीने वहां जा रहे हैं तो अपना बोरिया बिस्तर उठाया, 3 महीने वहां डेरा डाल लिया और कोई और आदमी बन के जी रहे हैं। अब ये काम जब चुनेंगे तो फिर बाल बच्चे बीच में थोड़ा सफर तो करेंगे जी। लेकिन जब जब मौका मिलता है मैं उनकी शिकायतें दूर करता हूं और पूरा टाइम देता हूं। भविष्य की योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें, परिवार को तो आप समय दे देते हैं जैसे तैसे जब भी समय मिलता है, लेकिन भविष्य की योजनाओं पर किस तरह से क्या सोच रहे हैं आजकल यशपाल शर्मा जी? भविष्य की योजनाओं में मेरा एक बड़ा सपना है कि मैं अपने टाइप की फिल्में करूं अपने प्रोडक्शन हाउस में जी, और खुद डायरेक्ट भी करूं और एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस खोलने का मन है और अच्छी फिल्में करने का मन है अपने टाइप की, जिसको मैं पसंद करता हूं जी। जो शिकायतें हैं मेरी आज फिल्मों को देख करके वो मैं उसमें दूर कर सकूं, तो यही तमन्ना है कि यादगार फिल्में बेशक पैसा ना कमाएं ज़्यादा, बिजनेस ना करें, लेकिन भूखे भी ना मरने दें, कि मतलब जितना डालें पैसा उसके अलावा उतना ही आ जाए हमें बहुत है, पर हमको करना ज़रूर है ये काम, क्योंकि ज़िंदगी भर दुनिया देखती है। चार्ली चैपलिन को हम आज भी देख पाते हैं सामने, जिंदा जिंदा ही है वो, अमर है जी, वक्त के दस्तावेज में बिल्कुल वो बिल्कुल हो गए जी, अमर हो जाते हैं, और वो जो अच्छा काम दिखता है वो जिंदगी भर याद रहता है। आपको लोग जानते हैं, आपके काम को देखते हैं, अपनाते भी हैं आपकी भूमिकाएं की हुई उनकी कुछ आदतों को, तो यूथ को और आज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो फिल्मों से बुरी चीज़ों को लेते हैं, अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, शायद वक्त का तकाजा है या कह लें कि कुछ ना कुछ इंप्रेशन फिल्मों का ऐसा होता है कि लोग उसकी धारा में बह जाते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मैं अपने सभी छोटे और बराबर के भाइयों से यही कहना चाहूँगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, गलत फहमियों में ना जिए, आना है अगर अंदर आग है तभी आइए, जुनून है, पैशन है, सिर्फ आपको डांस आता है इसलिए, या हनी सिंह की तरह रैप कर सकते हैं, या आपकी बॉडी अच्छी है, सिर्फ ये सोच करके मत आइए, ये देख के मत आइए। अच्छा साहित्य पढ़ें, बहुत किताबें हैं, बहुत कहानियां हैं, बहुत नावल हैं, कविताएं हैं, अच्छा थिएटर कीजिए ताकि आपको समझ आ जाए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आने के बाद फिर बिंदास, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं पाएगी, हमें क्या, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं करना है पाना है तो फिर आमीन। बिल्कुल, यानी कि परफेक्शन के साथ आए और कहीं ना कहीं अंदर वो आग होना चाहिए। परफेक्शन के साथ आए नहीं बोल रहा हूँ मैं, परफेक्शन तो अभी तक मेरे अंदर किसी के अंदर नहीं आ पाती है, परफेक्शन इज नॉट ए इजी थिंग, लेकिन समझ के सोच के, ऐसा नहीं कि जो मैं भी कर सकता हूँ, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा इतना आसान है, इसीलिए वो लगान की एक फिल्म है मेकिंग ऑफ लगान, चले चलो वो जरूर देखिए कि फिल्में कैसे बनती हैं, फिल्म कैसे लगान कैसे बनी, आप वो देखिए, कमाल की है वो, भी शायद रिपीट होगी जी। एक और आखिरी प्रश्न आपसे, पॉलिटिक्स में हर एक्टर जाना चाहता है, जब नेम फेम और सारी चीज़ें मिल जाती है तो या तो पार्टी अप्रोच करती है, खुद एक्टर की चाह होती है कि मुझे भी पावर में आना चाहिए, तो आपके मन में भी कुछ ऐसा है या मौका मिलेगा तो आप जाएंगे, क्योंकि समाज सेवा का जज्बा तो है? मुझे मौके मिले हैं जी,
और अब की बार तो गोल्डन चांस था बीजेपी का, और टिकट भी मिल रहा था और कांग्रेस का भी मिल रहा था हरियाणा में, और चौटाला का भी मिल रहा था जी। लेकिन ये मेरा डिसीजन था कि नहीं, और मुझे मालूम है कि आई एम नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स, लेकिन जिंदगी भर के लिए प्रॉमिस नहीं किया हूँ। टूट सकता कभी है, कभी टूट सकता है ये वाला प्रॉमिस, क्योंकि पहले जिस मामले में हम पारंगत हैं या कर सकते हैं कुछ उसमें तो करें। यानी कि आने वाले समय में बहुत अच्छे एक्टर के साथ बहुत अच्छे पॉलिटिशियन को भी हम देख पाएंगे। ये तो थी हमारी आज की मुलाकात यशपाल शर्मा से, जो कई मुद्दों पर की हमने और उनके कहीं ना कहीं अनछुए पहलुओं को भी हमने जानने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू भोपाल, थैंक यू एमपी, थैंक यू। एक फोटो हो जाए सर।